हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज वही दिन जल्दी जल्दी ढलते हैं का सारांश देखेंगे, बट उसके लेखक जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो मैंने पहले पार्ट आत्म परिचय कराते समय उनका परिचय दिया था, तो आज हम स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, दिन जल्दी जल्दी ढलते हैं के सारांश में, और उसको देखते हैं कि उनमें उन्होंने हमें क्या संदेश दी है। ओके, तो कविता को स्टार्ट करते हुए चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, राइट, मतलब क्या क्या है। तो हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है दिन, जल्दी जल्दी ढलता है। तो दिया हुआ पंक्ति में कवि कहते हैं कि दिन भर के थके हुए पथिक यानी मुसाफिर, जो ट्रेवलर होता है ना, राही, राइट, वो को उनको जब यह महसूस होता है कि उनकी मंजिल अब बहुत करीब है, यानी कि वो पहुंचने वाले हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले रास्ते में ही कहीं रात ना हो जाए, राइट, अगर हम कहीं दूर गए हुए होते हैं तो वापस लौटते समय सोचते हैं ना कहीं रात ना हो जाए, यह सोचकर वो अपनी कदम क्या होता है जल्दी जल्दी बढ़ाने लगता है, स्वाभाविक, राइट। अगर हम कहीं दूर गए होंगे और हम सोच रहे होंगे कि कहीं रात ना हो जाए, तो हम अपने आप ही हमारा पैर जल्दी जल्दी चलने लगता है। तो यहाँ पे भी वो पथिक जो है कहीं रात ना हो जाए सोचकर वो अपना कदम बहुत से तेजी तेजी से बढ़ाकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ाने लगता है, क्योंकि दिन बहुत तेजी से गुजर जाता है, अर्थात उनकी मंजिल जो है उनके पास है, मगर मैं धीरे धीरे चला तो मंजिल पर पहुंचने से पहले रास्ते में कहीं रात ना हो जाए, इसीलिए वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं, ताकि रात ना हो जाए, क्योंकि दिन जो है बहुत जल्दी जल्दी क्या होता है, ढलता है, राइट। तो आगे हमारा काव्यांश 2 क्या है, बच्चे प्रत्यास में होंगे, नीरों से झांक रहे होंगे, पर ध्यान परों में चिड़ियों के भरता किसी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पे प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि ना केवल मनुष्य बल्कि प्रकृति के अन्य सभी जीव जंतु भी दिन ढलने के साथ ही अपने घर को लौटने लगते हैं, राइट। तो आपने बहुत सारे टाइम देखा होगा, जैसे ही शाम होती है, जैसे 4-5-6 बजने लगते हैं, तो उस टाइम सारी चिड़ियाएं मतलब पक्षियों जानवर जितने भी होते हैं, प्रकृति का नियम है कि जैसे शाम होता है वैसे सब अपने अपने घर लौटने लगते हैं, और अपने परिजनों यानी घर वालों और अपने बच्चों के उनके लौटने का इंतजार भी रहता है। जैसे कि अगर हमारे मम्मी पापा कहीं दूर गए होते हैं, अगर हम घर में रहते हैं, तो हमें इंतजार होता है ना, कब आएंगे, तो साथ में क्या लाएंगे खाने के लिए, राइट। तो यहाँ पर कभी चिड़िया का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि चिड़िया को जब यह ध्यान आता है कि उनके छोटे छोटे बच्चे भोजन के आस में घोंसलों से बाहर झांक झांक कर उनकी राह देख रहे होंगे, राइट, बेचारे बच्चे तो उड़ भी नहीं सकते, तो वो उसी पे घोंसले पे बैठ के रहते हैं और झांक रहे होते हैं कि मम्मी कब आएंगी, खाना लेके आएंगी, राइट। तो जब चिड़िया को भी ये ख्याल आता है तो उसके दिन भर के थके हुए पंखों में नई जान आ जाती है, उसको याद आता है यार मेरे बच्चे तो भूखे होंगे, वो झांक रहे होंगे घोंसले से, तो उनके पंख जो दिन भर थके हुए दानों खोजते खोजते थके हुए होते हैं, उनके पंख में भी नई जान सी आ जाती है और वो तेजी के साथ अपने घोंसले की तरफ उड़ने लगती है, राइट, और ताकि रात होने से पहले वो अपने बच्चों के पास पहुंच जाए, क्योंकि चिड़िया को भी मालूम है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, राइट। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रहे, राइट, अगर वीडियो समझ में आ रहे तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, राइट। ओके, सो कविता में आगे बढ़ते हुए, मुझसे मिलने की कौन विकल, मैं हूँ किससे हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उड़ में बिहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ओके, तो कवि की इस प्रस्तुत पंक्ति में कवि की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, नहीं, तो इसीलिए वो कवि जो है बहुत ही अकेले हैं, उदास हैं, निराश हैं, दुखी हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि आत्म परिचय में देखा था ना, उन्हें अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत बावड़े हो गए थे, तो उसी इसलिए उनकी पत्नी की जो मृत्यु हो चुकी है, तो वो बहुत अकेले, उदास, निराश, दुखी थे। तो कवि को लगता है कि पथिक को अपनी मंजिल तक पहुंचना था, इसलिए वो तेज कदम से चलने की कोशिश करता है, और चिड़ियों को जैसे ही अपने बच्चे का ख्याल आता है तो वह तेजी से उड़ते हुए अपने घोंसलों की तरफ पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन कभी कहते हैं कि उन्हें तो कहीं जाना भी नहीं है और ना ही उनका कोई इंतजार कर रहा है, इसीलिए बोलते हैं मुझसे मिलने के लिए घर में कौन बेचैन बैठा है, क्योंकि उनकी पत्नी तो है नहीं, राइट, और उनको तो कोई उनको कहीं जाना नहीं है, उनका कोई इंतजार नहीं कर रहा है, तो बोलते हैं मुझसे मिलने के लिए घर में कौन बैठा है, बेचैन बैठा है, किसके लिए मैं अपना कदम तेजी से लाऊं, किसके लिए मैं अपने कदमों में तेजी लाऊं, इस विचार से कभी के पांव शिथिल पड़ जाते हैं यानी धीमे हो जाते हैं,
और उनकी कदम की गति धीमी पड़ जाती है, यानी उन बहुत निराश हो जाते हैं कि मेरे लिए तो कोई इंतजार कर ही नहीं रहा है, मैं किसके लिए जाऊं। तो उनकी पैर अपने आप धीमी हो जाती है और उनका हृदय व्याकुलता से, बेचैनी से भर जाती है। दरअसल यहाँ पे क्या है, कवि के जीवन में प्रेम की कमी है और प्रेम की कमी से उनके जीवन की गति धीमी पड़ गई है, राइट। इंसान के जीवन में समय व प्रेम दोनों महत्वपूर्ण है कि नहीं। हमारे लाइफ में अगर टाइम है और एंड हमारा प्यार नहीं है तो हम बहुत उदास रहते हैं, अगर प्यार है टाइम नहीं है तो बहुत उदास रहते हैं। इसलिए हमारे जीवन में दोनों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। प्रेम क्या होता है, दोनों का होना बहुत जरूरत है, समय व प्रेम, टाइम एंड लव। इसलिए व्यक्ति को समय का सदुपयोग करना चाहिए, यानी अगर हमारे पास अभी अभी अगर हमारे पास टाइम है तो हमें उस टाइम का यूज कर लेना चाहिए। ऐसे ही नहीं यार कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, नहीं टालते हैं, क्योंकि एक बार जो समय चला जाता है चला जाता है, राइट। और सदुपयोग करना चाहिए अपने टाइम का, और प्रेम के महत्व का को समझना आवश्यक है, और प्रेम के महत्व को समझना चाहिए। मतलब अगर आप सच्ची में प्रेम करते हैं तो उसको इम्पोर्टेंस दे, उसकी इम्पोर्टेंस को समझे, राइट। तो यहाँ पे हमारे लाइफ में क्या होता है, समय और प्रेम दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हमारा दिन जल्दी जल्दी ढलता है का व्याख्या भी खत्म होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, एंड वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मैं आपसे मिलती हूँ सेकेंड चैप्टर में, राइट। तो वहाँ पे भी कुछ अच्छे से पोएम देखेंगे और मजे से पढ़ेंगे, समझेंगे। ओके, सो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।